उधर दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भगवान सिंह रोलसा बसर के मंच साझा करने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा से कांग्रेस इस बार किन किन चेहरों पर दांव लगा सकती है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सम्मान में अल्पाहार कार्यक्रम में आए चेहरों को देखकर ये चर्चा शुरू हुई है। सिविल लाइन के एक अपार्टमेंट में धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर ये अल्पाहार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के मंत्रियों, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों, बोर्ड और आयोगों के चेयरमैन सदस्यों के साथ ही राजपूत समाज के बड़े चेहरे भी नजर आए। इसमें सबसे खास चेहरा क्षत्रिय युवक संघ के पूर्व मुखिया और वर्तमान संरक्षक भगवान सिंह रोलसा बसर। राजपूत समाज में भगवान सिंह रोलसा बसर एक सम्मानित चेहरे के रूप में स्थान रखते हैं। उनकी मौजूदगी के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अपने खाते में आने वाली 3 सीटों में से 1 सीट राजपूत समाज के खाते में भी दे सकती है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि ये चेहरा खुद भगवान सिंह रोलसा बसर की तरफ से रखा गया। चलिए कोटा की खबर आपको बता दें, हिट एंड रन केस का मामला